दोस्तों, मैं विनोद। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोरिंगा को दोस्तों हम सीड से किस प्रकार ग्रो करें। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ मैं जो सीड्स हैं दोस्तों मार्केट से लेके आया हूँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ये। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मोरिंगा को दोस्तों हम किस प्रकार सीड से ग्रो करेंगे। दोस्तों मोरिंगा को हम दो प्रकार से ग्रो कर सकते हैं, एक तो सीड से दोस्तों, और एक है दोस्तों कटिंग से। दोस्तों मेरा कटिंग का ये वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों मोरिंगा को कटिंग से दोस्तों ग्रो करना है तो वो वीडियो आप देख लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आप जो दोस्तों बीज को ग्रो करना है उसके पहले दोस्तों आप 24 घंटे बीज को पानी में डाल दें, जिससे कि दोस्तों आपका जो बीज है दोस्तों वो आसानी से ग्रो होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कुछ मैंने जो बीज हैं पहले से पानी में डाले हुए हैं दोस्तों। ये बीज हैं दोस्तों जो कि मैंने 24 घंटे इस पानी में डाले हुए हैं दोस्तों। पानी से डालने से ये होता है कि जो आपके जो बीज हैं दोस्तों पानी सोख लेते हैं, और सोखने से दोस्तों ये बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनको हम ग्रो करके आपको बताते हैं किस प्रकार ये बीज से ग्रो होते हैं। दोस्तों जो बीज को ग्रो करने के लिए हम जो मिट्टी लेंगे वो हमारी 50% दोस्तों कोकोपीट रहेगी, और 50% हमारी ये जो सॉइल है दोस्तों, इसमें 50% हमारी रेत मिली हुई है, 50% हमारी मिट्टी मिली हुई है, ये वो वाली सॉइल है दोस्तों। तो चलिए दोनों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अच्छी तरीके से दोस्तों जो हम इसमें ग्रो करेंगे, ये हमारे पास कुछ डिस्पोजल ग्लास है दोस्तों, इनमें हम बीज को दोस्तों ग्रो करेंगे। जब ये बीज बड़े हो जाएंगे दोस्तों तो हम इनको सेपरेट पॉट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो चलिए हम ये मिट्टी इसमें भर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इन दोनों ग्लास में हम इन बीज को दोस्तों ग्रो करेंगे। जो बीज हमने जो पानी में 24 घंटे के लिए डाले थे दोस्तों, तो एक ग्लास में दोस्तों हम दो बीज लगाएंगे। और तो सिंपली आप इस बीज को इस प्रकार रख दें। इसके बाद दोस्तों अब जो हमारी पॉटिंग मिक्स है उसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं इसको दोस्तों इस प्रकार। ये दोस्तों हमने लगा दिए, इसमें लगाने के बाद दोस्तों आप इसमें पानी दे दें। तो चलिए हम इसका वेट करते हैं कि ये कितने दिन में दोस्तों ग्रो होते हैं, और आपको मैं इसका पूरा अपडेट बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों ये 15 दिन का रिजल्ट है। और दोस्तों जो हमने मोरिंगा को सीड से लगाया हुआ था, और आप देख रहे हैं दोस्तों इसकी सीड्स दोस्तों भी ये ग्रो हो गई हैं। ये दोस्तों मैंने एक डिस्पोजल में दो बीज लगाए हुए थे, और दोस्तों इसमें एक एक बीज ये हमारे
ग्रो हो गए हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया दोस्तों इसकी ग्रोथ हो गई है, आप देख रहे हैं दोस्तों ये। और दोस्तों अब चलिए इसके रूट देख लेते हैं किस प्रकार इसकी रूट बनना शुरू हुई, देख रहे हैं आप सफ़ेद सफ़ेद दोस्तों ये दिख रही होंगी आपको, ये दोस्तों इसकी रूट्स हैं, ये देख रहे हैं दोस्तों ये। तो चलिए दोस्तों इसको हम एक सेपरेट पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, एक प्लांट दोस्तों हम इसको एक सेपरेट पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और एक प्लांट है दोस्तों जो हम कि इसको ज़मीन में लगा लेंगे दोस्तों। तो चलिए इसका बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट आया दोस्तों, जो हमने मोरिंगा को सीड से ग्रो किया है। तो चलिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।